नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में भव्यता के साथ मनाई गई महात्मा गांधी जयंती। और आगे चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां चोरी करने आए दो चोरों को लोगों ने जमकर पीटा। खबर अमरोहा से है, जहां सभागार में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं व भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति व लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किया। कार्यक्रम के अवसर पर राजकीय महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा ढोलक हारमोनियम के साथ गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की मनमोहक धुन की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करने के पूर्व सभी देशवासियों द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को दोनों महापुरुषों के जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम को प्रस्तुत करने वाली राजकीय महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं को जिलाधिकारी ने पुरस्कार वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके प्रिय गीत को गाया गया और टीवी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ वृक्षारोपण कराया गया। और इस सबसे यही संदेश दिया गया कि गांधी जी के मूल्यों को, उनके विचारों को आदर जीवन में। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। गोंडा से है, जहां गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार जहां प्रयत्नरत है, तो वही जनपद गोंडा में जिस तरीके से घटिया निर्माण करके जनता के कार्यों से प्राप्त सरकारी धन की मची हुई है लूट। या वीडियो इत्याथोक से खरगुपुर मुर्ख मार्ग पर ग्राम देवरिया कला लिंक रोड का है। मात्र 3 से 4 माह पूर्व मानकों को ताक पर रखकर किए गए सड़क निर्माण कार्य, तो वहीं सड़क गड्ढे में हुई तब्दील। साथ ही उड़ गई छर्रियां, जिससे स्थानीय साइकिल व मोटरसाइकिल से चलने वाले लोगों को घटना व दुर्घटना निरंतर दे रही है दावत, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बना हुआ है रोष। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें गांव वालों द्वारा पकड़े गए दो चोरों के हाथ बांधकर पिटाई की जा रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो मिलक का बताया जा रहा है, जहां पर गांव में चोरी करने गए दोनों चोरों को लोगों ने पकड़कर उनके हाथ बांधकर उनकी बुरी तरह पिटाई की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। उसके बाद दोनों युवकों को पीटते हुए कोतवाली मिलक ले गए, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जयाप्रदा के विरुद्ध 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक FIR दर्ज हुई थी। कोतवाली स्वार में जयाप्रदा पर आरोप था कि 2009 और 10 में बनी सड़क का इन्होंने 2019 में आचार संहिता लागू होने के बाद उद्घाटन किया और बिना परमिशन के रोड शो भी निकाला। इस मामले की सुनवाई MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। अब इस मामले में फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की है। अब 16 अक्टूबर को जयाप्रदा को लेकर कोर्ट आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। श्रीमती जयप्रदा नाहटा जी द्वारा रामपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था वर्ष 2019 में। इस दौरान स्वार क्षेत्र में उनका रोड शो और रैली वगैरह निकली थी। तभी जो चुनाव के फ्लाइंग स्काउट हैं, उनके मजिस्ट्रेट द्वारा एक शिकायत थाने पर पंजीकृत कराई गई थी कि 19/4/19 को ग्राम नूरपुर में एक पुरानी सड़क जो वर्ष 2009-10 में बनी है, उसका उद्घाटन किया गया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खास खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।